शामदीदो सलाम, मैं हूं आपका दोस्त अरीब जट और मैं बनाने जा रहा हूं आज व्लॉग जो कि होगा फ्रेंड पे यानी विलेज लाइफ पे। तो बिना टाइम ज़ाया करे हुए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नंबर वन पे बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी सर्दी चल रही है, सर्दी का मौसम है। यहाँ पर जो सी मेन फसल काश्त की जाती है उसका नाम है गंदम यानी आटा की फसल। तो ये सर्दियों के मौसम में उगती है, तो देख लिया तो आगे शुरू। हम बात करते हैं अमरूद की यानी गावा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये अभी हमारे अमरूद छोटे हैं, लगाए हुए हैं यानी सर्दियों में यानी अपनी फील्ड में। तो ये अमरूद है और ये हमने पूरा बाग लगाया यानी कई कई तो लग गए हैं। और ये हमने बीच में अभी गंदम की फसल लगाई हुई है, सब्जियाँ भी चल रही हैं। तो ये हमने बाग लगाया कुछ दिनों में, अभी हमें ये देखें बड़े बड़े हो गए हैं, उन पर अमरूद थोड़े थोड़े लग गए हैं। नंबर थ्री पे हम बात करते हैं लेमन की यानी नींबू की। हमने नींबू के दरख्त लगाए, पौधे लगाए हैं, अभी हमने रिसेंटली लगाए हैं, तो अभी अभी छोटे हैं। तो नंबर फोर पे हम बात करते हैं कि ये है, इसको हम अपनी पंजाबी जबान में कहते हैं फीटर। तो ये इसके ये तो भी हमने ऊपर ढक्कन दिया हुआ है। तो ये यानी मेनली इसका काम है, ये फसल को अपनी फसल जो है इसको पानी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर फाइव पर हम बात करते हैं कमार यानी गन्ने की फसल। तो ये यानी मेनली यूज होती है, तो इससे ड्रिंक बनती है, उसको हम कहते हैं रोह। और भी चीज़ें बनती हैं यानी शुगर। ये एक यानी गाँव में ज़्यादातर लोग ना शुगर की जगह ये शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसको इससे बनती है और उससे गुड़ भी बनता है। तो इसका एक दफ़ा रिव्यू ले लें। नंबर सिक्स पे हम बात करते हैं केले की। ये केले के दरख्त हैं यानी पौधे हैं, और इसको इंग्लिश में बनाना कहते हैं। तो देख लें, अभी तो सर्दी का मौसम अभी लगे नहीं, यानी क्या पता लगे भी हों। तो गर्मियों में ज़्यादातर हम खाते हैं यानी लगते हैं, तो ये देसी केले हैं। जो फार्म होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो देख लें, यानी मैं ज़्यादा करीब से नहीं, मैं थोड़ा दूर दूर से यानी यहाँ देखें, ये आगे हमारी फसल भी लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ना अरे वो वहाँ से, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं ज़्यादा करीब इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी शाम का वक्त है, तो उसमें कई तरह के जंगल रहते हैं यानी सांप और बिच्छू वगैरह, तो मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है पराली। तो ये एक्चुअली ये होती है यानी जो हम चावल की फसल काटते हैं ना, तो उसके जो उसका पौधा होता है तो वो सूख के ये बन जाता है। और ये यहाँ पे गाँव में ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों को, हरेजों से होता है यानी जो ये बीजियाँ स्टाला वगैरह उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाय गाँव का मौसम चल रहा है, तो ये जो दरख्त है ना इसके पत्ते झड़ गए, तो अच्छा सीन आ रहा था, मैंने कहा कैप्चर कर लेता हूँ। तो आप कहेंगे वो जो पीछे दरख्त है तो वो एक्चुअली है बांस का, उसके पत्ते नहीं झड़ते। और इधर है ये हमारे घर, ये मेरा घर है। तो ये हमने अंदर छोटा सा लगाया था पौधा, ये उसको बोर्ड कहते हैं पंजाबी में। तो देखें ये बहुत, इसकी बहुत लंबी उम्र होती है ये दरख्त की। तो दोस्तों ये मैं भाग को बताता हूँ, ये सरसों का साग है, तो इसके अंदर हमने कुछ शलजम लगाए हुए हैं। तो गाँव में ज़्यादातर लोग चीने घर में उगाते हैं, घर में उगाई हुई थी। तो ये हमने फोन लगाया हुआ, तो ना दोस्तों मैं आपको बताऊँ जैसे मैंने आपको कहता गाँव में ज़्यादातर लोग खाने पीने की चीज़ें घर में बनाते हैं लगाते हैं। तो ये हमने लगाया हुआ है आलू, आलू लगेंगे। तो देखें आलू लगे हुए हैं,
करते हैं। ये शलजम आपको नजर जैसे थोड़े बाहर आ रहे हैं, मैं आपको उसने मैंने थोड़ा डीप किया शलजम के, तो आपको पता नहीं चल ही गया होगा। और ये है रेड रोज यानी गुलाब का फूल। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं, गांव में ज़्यादातर लोग ये चूल्हे यूज़ करते हैं, तो इसमें लकड़ियाँ ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर।